बड़े भैया रात भर सपने आते रहे, एक शाही बारात और घोड़े पर सवार एक राजकुमार और पीछे पीछे घारों के कंधों पर एक डोली, और डोली में एक सहमी सहमी सजीली लजीली दुल्हन। मुझे मालूम है दुल्हन कौन है, मास्टरनी जी ना? छे पगली, मैं तो अपनी छोटी बहन के सपने देख रहा था। अच्छा अच्छा भैया, सपने बहुत देखती, अब उठो। मालूम नहीं आज रक्षाबंधन है? हाँ खूब मालूम है, आज हमें जुर्माना भरना पड़ेगा। वो तो भरना ही पड़ेगा, मैं जाके शेखर भैया को बताता हूँ। कहते हो छोटे भैया? ये तुझे कहाँ से मिली? जहाँ तुमने रखी थी। ला ला मुझे दे, ला। पहले बताओ ये है कौन? तेरी सास। मेरी सास या तुम्हारी सास की बेटी? तू लड़की के निला भैया। भैया तू आने लगी है? अभी भांडा फोड़ती हूँ। अरे ठहर तो।
देखो ना छोटे भैया को, देखो ना भैया। बात क्या है ना भैया? भैया है ना वो भैया वो क्या बात है सब? जी कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं है। ये छोटे भैया है ना आजकल 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 बहुत पढ़ते हैं। अच्छा, ठीक करते हैं, वो पढ़ना ही चाहिए, परीक्षा करीब आ रही है। और फिर शेखर तो जानता है कि हमारी सारी उम्मीदें इसी पर लगी। अच्छा शेखर, मैं नहाने के लिए जाता हूँ और तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ। जाओ छोटे भैया, आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं, मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना। जा जा, बहुत देखी है तुझ जैसी। इस जैसी तो नहीं देखी होगी। बुलाओ भैया को। और कल ठीक समय पर आ जाना। हाँ, और ये राखी अपने अपने भाइयों के हाथों पर जरूर बांध देना। हाँ, समझ गए ना? अच्छा, तुम जाओ। यशोदा, आज तो मीना के पांव जमीन पर नहीं पड़ते होंगे। हाँ, सुबह से भाग दौड़ कर रही है, बड़ी चंचल है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। जानती हो आज उसने क्या कहा? क्या कहा? आज रात को मैंने शादी का सपना देखा और सवेरे मैं मीना को सपना सुना रहा था तो कहने लगी, मैं जानती हूँ दुल्हन कौन है। कौन है दुल्हन? अच्छा, कहने लगी मास्टर नीज। ठीक ही तो कहा मीना ने, ये हमेशा सपना ही रहेगा। यशोदा, ये तुम क्या कह रही हो? सच्ची तो कह रही हूँ, चाचा जी बार बार पूछते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ, मैं यशोदा को दुल्हन बनाऊंगा। कब? जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। यशोदा, हमारा प्यार कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, वो हमेशा जवान रहेगा, अमर रहेगा। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। नाजु
सुख है जो सांस के जैसे पर जीवन भर जाए न थोड़ी जाने ये सारा जमाना जमाना भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना भैया मेरे शायद वो सावन भी आए जो पहला सा रंग न लाए बहन पर आए देश बसे हो अगर वो तुम तक पहुँच न पाए याद का दीपक जलाना जलाना भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना भैया मेरे ये लीजिए हम आए और गाना भी खत्म लड्डू भी खत्म और अब शायद राखी भी खत्म क्यों नहीं साहब हम तो ठहरे दूर के भाई ना तुम दूर के हो तो पास का कौन है नहीं भैया बड़े भैया हैं छोटे भाई हैं अपने शेखर हम तो ठहरे चचेरे भाई लखनऊ आया सहारनपुर बहुत देर कर दी भैया वो इसके लिए यूं तो कहीं से भी रुपया निकालना मुश्किल है लेकिन पिताजी की जेब से बाप रे बाप ऐसे जैसे सा भाई तुम तो समझती हो ना बहुत ही मुश्किल है बहुत मुश्किल अब वो लेकिन मेरे को हार नहीं 10 रुपये भी तो दूंगा 10 रुपये फिर गए कमाल है रखो 70 और निकले 7 मुझसे कुछ कहा मालिक अरे दुखिया के बच्चे तू यहाँ क्या कर रहा है कितनी बार कहा मालिक कि मेरा नाम दुखिया नहीं सुखिया है अच्छा अच्छा पर तू यहाँ कर क्या रहा है सफाई कर रहा हूँ अच्छी सफाई कर रहा है निकाल वो 10 रुपये काय के 10 रुपये देख उल्लू मत बना सीधी तरह दे दे 10 रुपये देखो मालिक चोरी का इल्जाम मत लगा क्या नौकरी पाई है दिन रात गुलामी करो चूल्हा फूको टांगा चलाओ नौकर नहीं रखना है तो साफ कह दो टांगा चलाता है तो क्या मुझ पे एहसान करता है मुझे पता है कितना ये खाता है और कितना घोड़ा खाता है ए, ये बिस्तर लेके कहाँ चला जाना है तो रुपए देकर जा रुपए ले लो तलाशी ले लो मैं क्यों लूंगा तलाशी पुलिस लेगी तलाशी थाने चलना पड़ेगा किसको थाने भेज रहे हैं आप पिताजी इस चोर को इसने मेरे रुपए चुराए रुपए तो मैंने चुराए थे पिताजी तूने फिर चुराए हाँ, ले चलो आप चोर को पुलिस थाने ले चलो ले चलो जा 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 अपना काम कर चल ला मेरे 10 रुपए पिताजी वो तो मैं अपनी बहन को दे आया आज ये रक्षाबंधन है ना हाँ हाँ लुटाओ लुटाओ तो आपका माल है ना शर्म नहीं आई इतने से धागे के 10 रुपए दिया पिताजी ये धागा नहीं एक बहन की प्रार्थना है आप... अरे छोड़ मैंने भी बहुत सी राखियां बनाई हैं लेकिन कोई कह सकता है किसी को देला दिया बेटा पता है 10 रुपए कैसे कमाए जाते जी हाँ पिताजी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ 10 दिए 20 लिखवाए क्यों ठीक है ना ए! ए! काने दे मेरे रुपए काने दे बच्चे मेरे रुपए काने दे पिताजी पिताजी रुपए ले ये लो रुपए जो भी ले जो भी बहुत शुक्र है एक ही पैदा हुआ कहीं 4 पैदा हो जाते तो पिताजी हिंदुस्तान में कोई गरीब ना होता हाँ क्यों गए दुखिया के बच्चे क्यों हंस रहा है मालिक कितनी बार कहा कि मेरा नाम दुखिया नहीं दुखिया है इसलिए हंस रहा है